भाई मोबाइल पीछे गया थोड़ा मोबाइल पीछे गया। ये करते हैं जज, देखा आपने मेरा रैप म्यूजिक वीडियो? चलाओ अंदर, अंदर चलाओ भाई। मोबाइल पीछे आपने टीजर देखा, फुल वीडियो देखा? अरे भाई देखा, सुपर तो अच्छा लगा। बहुत हां खाली पीछे लेना मोबाइल में, बहुत शानदार है। अंदर मेरी तरफ एक मिनट, एक मिनट मैम, सोलो सोलो कर लेते ना, सोलो 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 सामने सामने लुक फ्रंट चलिन जी सेंटर स्टेप हो जाए, अंदर अंदर इधर ही एक बार कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं स्टेप देखना, इधर इधर ही कर लेते हैं अंदर। क्या इंतजाम हुआ अंदर है, सब अंदर, सब बाहर निकलेंगे तो क्या बस एक ही तरीका है, खुद पर ढेर
विश्वास करना होगा और जजमेंट के शोर से हमें खुद को बचाना होगा। सही है? सही है, सही है। चलो इंटरव्यू इंटरव्यू कर ले, वाइट करेंगे, वाइट करेंगे। अपना माइक लेके आ जाओ। चलो चलो माइक रखो। विजुअल तो हो गया? हाँ हो गया। हो गया? क्या मैं पिंजरे में रहूँ या आजाद हो जाऊँ? अवेश नहीं नहीं आजाद मत होइए, उधर ही रहिए। अच्छा क्या बे? नहीं शादी में पिंजरे में रहूँ। पिंजरे में रहिए और वहाँ से बाइक लीजिए। हाँ अरे एक और बार वंस मोर कर रहा हूं। पर्दा चुपड़ा हटा दूं तो लगते कलर। हां लगते कलर ये करते हैं जज। मैं बोलूं तो लगते कलर। ये किस्मत पे चलते हैं सब। जो करनी नहीं मेहनत तो मिलनी नहीं रहमत। मुफ्त की थोड़ी के रोटी में पापों से इनकी ना सहमत। ये बोलेंगे गंदी हां बोले तो डंडी। जब मिलते तो बातें सर करते ये मलोटी है कि नहीं? यस लगता है इजी यहां आना। क्या जो पहुंचे यहां मुझे बताना हां कि खून पसीना बहता है। जो बोएगा बनी तो खाएगा। ये तो छोटे हां कर्मा भी कहता है। कर्मा भी कहता है। क्या बात। चलो करें। चलो चलो बाइट हम लोग दो ग्रुप। हां हां आजाद हो जाइए। दो ग्रुप में दो ग्रुप नहीं रहे एक ही ग्रुप। बाद में सिंगल मयूर आजाद कर देंगे। अपन सिंगल करेंगे। बस अपना वहाँ माइक लेके आओ। हम लोग माइक लेके आ जल्दी लेके आओ। दो मिनट बैठिए माइक सब आ रहा है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जब भूमला श्रीनिवास ये करते हैं जज। ये मेरे रैप म्यूजिक वीडियो का नाम है और ये रैप मेरी आप बीती दर्शाता है। मेरा जो सफ़र रहा है फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही मैं कहूँगी अद्भुत रहा है। और आज मैं जो कुछ हूँ अपनी जर्नी के वजह से हूँ। मैं पहले सहमी सहमी से ही हुआ करती थी। बहुत डरती थी। सोचती थी लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। तो सहमी सहमी से मैं रहती थी। लेकिन आज मेरे दोस्त मेरे चाहने वाले मेरे फैंस कहते हैं कि मैं किसी शेरनी से कम नहीं हूँ। क्योंकि अपनी बात मैं बगैर डर के साहस के साथ रखती हूँ सोशल मीडिया पर आप सबके सामने। और मुझे लगता है कि ये साहस मुझे मिली है अपनी जर्नी से। और ये जो रैप पैदा हुआ है इसके बोल इसके जो शब्द हैं वो मेरी जर्नी से पैदा हुए हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की, जिन्होंने मुझको बहुत परेशान किया, जिन्होंने मेरे साथ यौन शोषण किया, जिन्होंने आज मुझे इस मुकाम पर लाकर खड़ा करा। धन्यवाद। मैम आप जब पिंजरे के अंदर थी कुछ बहुत बड़ी लाइन आपने कह दी थी। मैं चाहूँगा एक बार आप फिर से वो कैमरे पे और हमारे मुंह के सामने कह दें। जी जो आपने पिंजरे में कहा था वो लाइन मैं फिर से सुनना चाहूँगा। किस संदर्भ में? जो आपने कहा था कि पिंजरा हमने क्यों जी 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 मैंने अपने आर्ट डायरेक्टर से कहा कि मुझे मेरे म्यूज़िक वीडियो में पिंजरा चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि ये पिंजरा दर्शाता है वो मानसिकता जो जजमेंट का शिकार होता है। अगर मानसिक स्थिति की बात की जाए तो ये पिंजरा एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उस मानसिक स्थिति की जो हमेशा उलझा हुआ रहता है, परेशान रहता है जजमेंट के वजह से, लोगों की राय के वजह से, लोगों के परसेप्शंस के वजह से। तो इस पिंजरे से कैसे बाहर निकल सकते हैं हम? कैसे? तरकीब क्या है? उपाय क्या है? इस पिंजरे से
बाहर निकलने का उपाय हमारे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। हमें ही पिंजरे के दरवाजे को लात मार के बाहर निकलना होगा। कैसे? खुद पर विश्वास करके, कभी कभी नहीं, रोजाना निरंतर रूप से हर पल हमें खुद पर विश्वास करना होगा। लोग हमें रिजेक्ट करेंगे, लोग हमें रेट करेंगे, लोग हमें जज करेंगे, लोग स्लट शेम करेंगे, बॉडी शेम करेंगे और हमें जलील करेंगे, सरेआम जलील करेंगे। बावजूद इसके हमें खुद पर विश्वास करना होगा। यही एक तरीका है जजमेंट के पिंजरे से बाहर निकलने का। शर्लिन जी, कम समय में 4 मिलियन से ज़्यादा व्यू होना क्या दर्शाता है देश की जनता आपके साथ है, आपके इमोशनल के साथ है? जी, मैं परसों गुजरात गई थी इवेंट के लिए और मेरी जो को पैसेंजर थी उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि ये गाना सिर्फ मेरी आपबीती नहीं बल्कि सबकी आपबीती दर्शाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ गिने चुने लोग जज होते हैं या जजमेंट का शिकार बनते हैं इस समाज में। नहीं, हर महिला और कुछ पुरुष जजमेंट का शिकार बनते हैं। हर पुरुष तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन हाँ, यकीनन रूप से हर महिला जजमेंट का शिकार बनती है। तो ऐसे में लोग कनेक्ट कर रहे हैं इस रैप के बोल से, इस रैप की सेंटिमेंट से, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग इस रैप को पसंद कर रहे हैं और मुझे प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। क्या मैम, कई लोगों की आवाज़ बनकर यह सॉन्ग आया है जैसे आपने कहा, तो किस तरीके के रिप्लाई आ रहे हैं आपको जब ये सॉन्ग आउट हो चुका? कोई ऐसा स्पेशल रिप्लाई आप तक पहुँचा है अभी तक जो आपको लगा हो कि हाँ यार, मतलब मेरा सॉन्ग निकालना मतलब सक्सेस हो गया, ऐसा कोई स्पेशल रिप्लाई आप तक आया है? फैंस कह रहे हैं, फॉलोअर्स कह रहे हैं, शुभचिंतक कह रहे हैं कि आप हर महीने एक रैप वीडियो रिलीज़ कीजिए। मतलब आपके अंदर इतना इतना कुछ है बताने के लिए, दर्शाने के लिए, कि आप हर महीने कुछ ना कुछ रिलीज़ कर सकती हैं, कोई ना कोई रैप म्यूज़िक वीडियो या म्यूज़िक वीडियो। तो मुझे ये सलाह बहुत अच्छी लगी। तो अब मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्द जुलाई में या होपफुली अर्ली अगस्त में दोबारा आप सबके सामने आऊँ और एक नया म्यूज़िक वीडियो लेकर आऊँ। अब देखते हैं कि वो रैप होता है या कोई मेलेडी होती है। क्या आप उसमें कटघरा ला सकते हैं इस बार अगले साल? यस, आई लव दिस, आई लव योर यू नो योर सजेशन। बहुत ही अच्छा लगा, कटघरा होना चाहिए। यस सर, आप बताइए आपको कैसा लगा मैम का अंदाज, आप कुछ कहें? अंदाज का तो कोई जवाब ही नहीं, आपके सामने दिख रहा है सब कुछ, सब कुछ दिख रहा है। मैं एक बात कहना चाहूँगी, इन्होंने हाल ही में मेरी तारीफ करी ऑफ कैमरा, कहा कि इनकी जो मेरी छवि कुछ और ही थी इनके जहन में, और जब इन्होंने मेरे साथ मेरे घर पर खाना खाया, जब देखा कि मैं कैसे वर्कआउट करती हूँ, कैसे काम करती हूँ, कैसे फ़ोन पर बात करती हूँ, कैसे प्रोफेशनल मीटिंग्स करती हूँ, डील्स करती हूँ, तब इन्हें एहसास हुआ कि नहीं, शर्लिन चोपड़ा जो है वो सिर्फ एक, मतलब वो कोई पिनअप गर्ल नहीं है। ऐसा नहीं है कि शर्लिन चोपड़ा को सिर्फ यू नो अंग प्रदर्शन करना आता है या वस्त्रहीन होकर खुद को पेश करना आता है। नहीं, इसके अलावा मुझे बिजनेस करना आता है, मुझे रैप लिखना आता है, मुझे रैप गाना आता है, और मुझे आप सबके सामने यूं बैठ कर निडरता के साथ बात करना आता है। और सबसे बेस्ट बात ये है कि बहुत अच्छा स्पीच करते हैं, आई लव दैट, थैंक यू, ऐसा ही रहो। और मैं बहुत बढ़िया खाना बनाती हूँ। अच्छा, ये है हमारे कोरियोग्राफर, इन्होंने, इनका नाम है धर्मेश, और इन्होंने ये खूबसूरत म्यूजिक वीडियो बनाया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा कोरियोग्राफ किया। पिंजरे का आइडिया एक्चुअली मैम का ही था, क्योंकि डायरेक्शन वगैरह डायरेक्टिंग मैम ही कर रहे थे। सो मैंने तो सिर्फ कोरियोग्राफी किया है, और हर कोई स्टेप्स सिखा रहा था तो मैम बोल रहे नहीं ये हो जाएगा, तो कोई हैवी स्टेप भी रहता है तो मैंने बोला मैम चेंज करते हैं स्टेप्स, अगर नहीं होता नहीं नहीं हो जाएगा मैं कर लूँगी। तो मतलब सिखाने में वो मज़ा आता है कि मैम बोलते हैं कि नहीं कोई भी स्टेप्स हार्ड है तो कुछ नहीं, लेकिन मैं कर लूँगी।
तो वो बहुत बड़ी बात और and, बहुत अच्छा था. थैंक यू. एंड यू नो रैप फास्ट फास्ट बोलना होता है, करेक्ट? तो फास्ट फास्ट बोलना प्लस स्टेप्स परफेक्टली करना, ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है. आप ज़रा करके देखिएगा. हाँ, इट्स अ चैलेंज. आप देखिए, अगर होता है तो मुझे बताइएगा. फास्ट फास्ट बोलना और एट द सेम टाइम स्टेप्स परफेक्टली करना, इट वॉज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर मी. जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा. या ये कुछ, हाँ, सवाल करना चाह रहे हैं. जी, ऑफ कोर्स आई डू, आई बिलीव इन कर्मा. व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा. मैं ये मानती हूँ कि जो हमें जो हमें लगता है कि नहीं गलत हो रहा है या अच्छा नहीं हो रहा है, वो असल में अच्छा ही होता है हमारे लिए. मैं ये मानती हूँ कि हमारे अंदर ईश्वर बसते हैं, अल्लाह बसते हैं, तो कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता. हाँ, मेरे साथ बुरा हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में. मैं पूछती हूँ खुद से कि क्या उस समय अल्लाह मेरे साथ नहीं थे? जवाब होता है हाँ थे, इसलिए अनर्थ नहीं हुआ. तो आज मैं पहले से ज़्यादा समझदार हूँ और पहले से ज़्यादा मैं ईश्वर पर विश्वास करने लगी हूँ. मैं मानती हूँ कि हमारे जो कर्म होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे किस्मत के साथ जुड़े होते हैं, और बुरे कर्म का नतीजा बुरा होता है, ये हम सब जानते हैं. मैंने महसूस किया है जो जो लोग मेरे साथ बुरा करते हैं या किसी के साथ भी बुरा करते हैं, उनका अंजाम क्या होता है, ये हम सब जानते हैं. जी जी, देखिए, 2021 में मुझको किडनी फेलियर हुआ था. मेरे डॉक्टर यहाँ हैं, उनका नाम है डॉक्टर शरद सेठ, वो कोकिलाबेन के सबसे सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट हैं. तो जब मैं उनके पास गई थी, मैंने उनके पैर छुए, मैंने कहा डॉक्टर प्लीज़ मुझे बचा लो. उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं लास्ट स्टेज में थी, और जैसे तैसे उन्होंने 3 महीनों में मेरे उस कंडीशन को, किडनी फेलियर को, रिवर्स कर दिया. तो तब मैं ये सोचती थी कि ये क्या हुआ मेरे साथ, ये क्यों हुआ. मैं तो वर्कआउट करती हूँ और मैं ड्रग्स नहीं लेती हूँ, मैं स्मोक नहीं करती हूँ, तो क्यों हुआ ये मेरे साथ, मैंने क्या गलत किया ज़िंदगी में. तो इस तरह के सवाल आए दिमाग में, और फिर मैंने सोचा नहीं, ठीक है ना, लाइफ इज़ अनप्रडिक्टेबल. ठीक है, ओके, किडनी फेलियर हो गया, अब क्या, चलो लड़ते हैं, दिखा देते हैं किडनी फेलियर को कि मैं कौन हूँ. तो मैंने दिखाया कि यस, मैं जीना चाहती हूँ. और देखिए, ये जो डिफ़िकल्टीज आते हैं, जो संघर्ष हम झेलते हैं ज़िंदगी में, वो हमें पहले से ज़्यादा ताकतवर बनाते हैं. और मैं ये मानती हूँ कि अगर ये संघर्ष ना हो ज़िंदगी में, तो फिर जीने का मज़ा ही क्या है, है कि नहीं. तो मैम, जिन्होंने अभी तक आपके साथ बुरा किया है, तो ये सॉन्ग क्या उनके लिए मुंह तोड़ जवाब है? देखिए, आम तौर पर महिलाओं को रोज़ाना रेट किया जाता है, अरे ये ऐसी है, ये वैसी है, अरे इसकी शक्ल देख, इसकी नकल देख, इसकी हाइट देख, इसका बेस देखो, इसके नखरे देखो, इसके चाल चलन देखो, ये ऐसी है, ये वैसी है, ओ ये कम कपड़े पहनती है, ओ माई गॉड, ये तो बहुत ही ईजी होगी. तो ऐसे में हम क्या करें, किसके पास जाएं, और किसके साथ हम ये शेयर करें कि हम कैसा फील करते हैं जब हमें रेट किया जाता है, जब हमें जज किया जाता है. किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बस खुद को हिम्मत दो, हौसला दो, और कहो ठीक है, यू वॉन्ट टू रेट मी, गो अहेड. पहले अपने गिरेबान में झांक कर तो देखो, आप कौन हो, कहाँ के तुरम खान हो, है कि नहीं. बड़े हैं हमको रेट करने वाले, आपकी औकात क्या है. हाँ, बिलियनर हो, अंबानी हो, कौन हो आप. अधिकतर ट्रोल्स वेले होते हैं, दिमाग के पैदल होते हैं, कोई काम नहीं होता उनके पास, इसलिए दूसरों को जज करते हैं. तो हमें समझना चाहिए कि आगे वाले की मानसिकता
कैसी है, अगर घिनौनी है, घटिया है, तो वो जज करते ही है। नेक्स्ट सॉन्ग तो जुलाई में आने वाला है, मतलब बरसात में आपकी तरफ से आग आने वाली है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर आपका कोई सवाल नहीं? सवाल तो शर्ली जी, मेरा सवाल है आपसे, आपने काफी एक मुद्दे को लेकर आपने काफी लड़ा है सेक्सुअल हैरेसमेंट को, और आपने काफी आवाज उठाई थी राजीव खान के ऊपर। इन दिनों काफी पिछले एक महीने से जो रेसलर है वो सड़क पर है, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनी गई है, और आज अगर दिल्ली पुलिस ने भी जो उनको एक्ट हटा दिया है ब्रिज भूषण के ऊपर से, क्या कहना चाहोगे आप? इस तरह की घटना होती है तब आप क्या कहना चाहोगे? मैं शुरुआत से हमारे देश के चैंपियंस के समर्थन में खड़ी हूँ और आगे भी खड़ी रहूँगी। देखिए, ये बहुत ही शर्म की बात है कि अभी तक जिनके ऊपर या जिनके खिलाफ आरोप लगे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्यों? FIR दर्ज हुई, उसके बाद क्या हुआ? यानी अगर इस देश के चैंपियंस सुरक्षित नहीं हैं इस देश में, तो हम अपने बारे में क्या उम्मीद रखें? यानी हम सुरक्षित होंगे या नहीं? अगर देश के चैंपियंस ही सुरक्षित नहीं हैं तो हम कहाँ जाएं? हम जाकर किसका दरवाज़ा खटखटाएं? न्याय की गुहार हम कहाँ जाकर लगाएं? तो मेरे ख्याल से ये चर्चा का विषय होना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि नहीं वो तो एक्टिंग कर रहे हैं, ये सब वो पब्लिसिटी पाने के लिए कर रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कोई भी लड़की सरेआम न्याय की गुहार यूं ही नहीं लगाती है। तो जो लोग इस तरह सोचते हैं कि ये सब पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है, ये बहुत ही दुखद है और शर्मनाक है। और मैं चाहूँगी कि हमारे देश की चैंपियंस को बहुत जल्द इंसाफ मिले, तब जाकर हम सुरक्षित महसूस करेंगे। शर्ली जी, बॉलीवुड की तरफ से कोई भी समर्थन नहीं है, जिस तरह से आपके हम सपोर्ट कर रही है, कंगना मैम हो या कोई भी दीपिका पाडुकोण हो, आलिया भट्ट हो, उन्होंने कोई भी समर्थन नहीं किया इस बड़े मुद्दे पे, कोई बातचीत नहीं की। क्या लगता है आपको टॉप एक्ट्रेस को आना चाहिए उनके समर्थन में? कंगना जी ने कुछ कहा नहीं इस विषय पर? मतलब सारे लोगों को ये आश्चर्य की बात है कि कंगना जी ने इस विषय पर कुछ नहीं कहा, ऐसा क्यों? वो तो आमतौर पर दीपिका पाडुकोण हो या आलिया भट्ट हो, या इनको भी आना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर हम ये सोचें कि ठीक है ना, वो हमारे क्या लगते हैं, हमारे लगते हैं, हमारी बहनें लगती हैं वो, अगर हम एक दूसरे के लिए खड़े ना हों तो फिर फ़ायदा क्या है समाज में जीकर? हम जाके पर्वत पर जी सकते हैं, जंगल में जाकर जी सकते हैं, समाज में रहने का मतलब क्या है? हम एक कम्युनिटी हैं, एक परिवार हैं। अगर आपके साथ गलत होता है और मैं उस कुकर्म पर अगर कोई टिप्पणी ना करूं और मुंह फेर लूं, कहूं कि ठीक है ना आपकी ज़िंदगी, आप भुगतो, नो, ये तरीका गलत है। हम सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, हम सब भारतीय हैं, हम सब इस भूमि के बच्चे हैं, और हमारा फ़र्ज बनता है कि जब जब इस देश में कुछ गलत हो, हम उस गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। जी बिल्कुल। मैं चाहूँगा मैम, लास्टली आप दो लाइन बोलकर हमें इस बाइट को यस आपकी दो लाइन बोलिए। ओके, खड़े होकर नहीं, बैठ के माइक नीचे ना, माइक पकड़ना पड़ेगा, माइक इतने सारे माइक पकड़ना नहीं होगा, बैठ कर आप समथिंग मारो, क्या बात है, बोले बोले बोले।
दो लाइन वो तो सस्पेंस है, बताएंगे आप सबको पता चल जाएगा। एक रोमांटिक नंबर करने वाले हैं। सस्पेंस है कि नहीं? रोमांटिक नंबर सस्पेंस। हाँ, बात पे सस्पेंस। चलिए ये करते हैं जज, ये करते हैं जज, इनकी सोच पे पड़ा है पर्दा, जो पर्दा हटा दूं तो लगते गलत, हाँ लगते गलत। ये करते हैं जज, ये करते हैं जज, इनकी सोच पे पड़ा है पर्दा, जो पर्दा हटा दूं तो लगते गलत, हाँ करते हैं जज। आप पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा।